पता है पिछले 2 महीने से मेरे लाइफ में क्या चल रहा है? बताता हूँ क्यों, दिखाता हूँ। ये देखो, गोप्रो ऑडियो, गोप्रो ऑडियो, गोप्रो ऑडियो, गोप्रो ऑडियो, 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 आ! This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You are watching Counting Kilometers. First of all, I know that I'm Uttarakhand ki series disturb kar raha hu, interrupt kar raha hu because आज एक्चुअली यू वुड हैव एक्सपेक्टेड कि हमारा उत्तराखंड सीरीज़ का अगला ब्लॉग आएगा, लेकिन कल के दिन में जो चीज़ें हुई ना, कल के दिन में ये इतना पुराना प्रॉब्लम अचानक से सॉल्व हो गया। सो आई थॉट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर इट विद यू ऑल, क्योंकि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि यार हम लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, इतने लोगों के कमेंट्स आए, आपने देखा अभी तो इतने कमेंट्स के बाद नो वन शुड फील लाइक कि यार हम कमेंट कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन काउंटिंग किलोमीटर्स इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दे आर इग्नोरिंग अस, ऐसा ना लगे, बस इसीलिए ये वीडियो है। एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू शो यू दिस सेटअप कि अगर आपको ऐसी तकलीफ आ रही है या फिर इन फ्यूचर अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में ऐसी कुछ तकलीफ आती है तो आपको इतने 2 साल तक सब पापड़ ना बेलने पड़े, आपको इजीली ये सेटअप अवेलेबल हो। तो ये पूरा सेटअप भी आज दिखाऊंगा मैं, हेलमेट पे कैसे किया हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट बीन 2 ईयर्स नाउ सिंस द इंसेप्शन ऑफ काउंटिंग किलोमीटर्स, जब से हमारा चैनल चालू हुआ है तब से आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था कि गोप्रो का साउंड क्लैरिटी कैसे अटेन किया जाए। आई नो बहुत से लोगों के साउंड एकदम अमेजिंग होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दोज यूट्यूबर्स, मोस्ट ऑफ दोज ब्लॉगर्स आर यूजिंग गोप्रो हीरो 4। हीरो 4 पे माइक डायरेक्टली कनेक्ट होता है विदाउट अडाप्टर, और उसमें सिर्फ एक क्लिक करो आपका आवाज़ रिकॉर्ड होना चालू हो जाता है एंड इट गिव्स क्रिस्टल क्लियर साउंड। तो गोप्रो हीरो 4 का कंपैरिजन कोई नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली अपने पास हीरो 4 नहीं है और हीरो 4 अभी बंद हो गया, मार्केट में मिलता भी नहीं है, तो वो ऑप्शन अपने पास है नहीं। तो अभी उसके बाद क्या ऑप्शन हो सकता है? ऐसा नहीं है कि पिछले 2 सालों में हमने कुछ भी नहीं किया, यूट्यूब पे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के जितने भी वीडियोज़ है, जितने भी ट्यूटोरियल्स है ना, ऑलमोस्ट सब देख लिए, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वीडियो, उसमें जो जो बताया, जिसने जिसने जो जो ट्रिक्स बताई वो हर ट्रिक करके देखी। यू वोंट बिलीव, इस हेलमेट में सिर्फ ये पीछे का पार्ट है ना, ये इतना, ये पार्ट छोड़ के ऑलमोस्ट हर जगह पे मैं माइक सेट कर चुका हूँ, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी सामने, कभी उल्टा, कभी नीचे, कभी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, कभी पॉइंटिंग फॉरवर्ड। हर वीडियो में हर यूट्यूबर अलग बताता है कि भाई ऐसा करो तो क्लियर मिलेगा, चलो ठीक है वैसा ट्राई करते हैं, वैसा करो तो अच्छा मिलेगा, चलो वैसा ट्राई कर, लेकिन नथिंग वर्क्ड, एब्सोल्युटली नथिंग। उसके बाद फिर किसी वीडियो में मैंने देखा कि एडिशनल एक डेड कैट लगाओ, फिर उसके अंदर थोड़ा एक इंसुलेशन बनाओ जिससे विंड नॉइज कम हो जाए, फिर उसके बाद ये जो विंड स्क्रीन होता है ना चिन के पास, इस विंड स्क्रीन को एडिशनल एक कपड़ा लगाओ, तो वो भी मैंने स्टिच करके लिया, तो वो कपड़ा लगाने से शायद विंड नॉइज कम हो जाए, उससे वॉइस क्लैरिटी बढ़ जाए, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं हो पाया। देन आई फाउंड वन वीडियो ऑन यूट्यूब जिसने ये सब करने के बजाय उसने पोस्ट प्रोसेसिंग में एक फिल्टर ऐड किया था ऑडियो पे, उसने व्हाट वाज इट कॉल्ड, मल्टी बैंड कंप्रेसर ऐड करके उसको क्लैरिटी मिल रही थी, तो मैंने वो ट्राई किया। जब वो ट्राई किया, स्पेशली उत्तराखंड के 2 या 3 वीडियोस पब्लिश होने के बाद मुझे वो मिला था वीडियो वो देखने के लिए, तो वो करने के बाद उत्तराखंड का जो सेटअप था ना अपना माइक का, उत्तराखंड के टाइम में हेलमेट में जिस तरह से लगाया था माइक, उस पर थोड़ा सा क्लियर साउंड आने लगा। तो अगर आपने पिछले 2-3 वीडियोस देखे हैं ना, तो उसमें गोप्रो का साउंड ठीक ठाक आ रहा है, ये सैमसंग ठीक ठाक आ रहा है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ फार फार फ्रॉम वॉट यू कैन कॉल गुड, बट एटलीस्ट इट इज़ ऑडिबल, आप सुन पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी उत्तराखंड के जो बाकी बचे हुए वीडियोस हैं वो सारे उसी मल्टीबैंड कंप्रेसर को यूज़ करके ही पब्लिश करूँगा, क्योंकि उसी से एडिट करने पड़ेंगे, जो मैंने किया हुआ है शूट ऑलरेडी उसको तो मैं अभी जाके बदल नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, उत्तराखंड से वापस आने के बाद मैंने नया माइक ऑर्डर किया था, माइक आ गया, डिलीवर हो गया 3 दिन में, लेकिन वो माइक था TRRS पिन वाला, मतलब इसमें 4 रिंग्स होते हैं और ये वाला पिन गोप्रो के अडाप्टर को मैच नहीं होता, गोप्रो के अडाप्टर को चाहिए TRS पिन, मतलब 3 रिंग वाला। तो अभी इस परीक्षा में अगला सवाल था कि ये कनेक्टर, मतलब ये जो कन्वर्टर ढूंढो, अब ये कन्वर्टर अवेलेबल है सिर्फ रोड कंपनी का, जो आता है 1000 रुपये के ऊपर, मतलब 200-250 रुपये का माइक और 1000-1200 रुपये का कन्वर्टर। फिर से अपना काम वहीं पे आके रुक गया।
कि यार ये तो कोई फिजिबल बात नहीं लग रही है, तो कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने फिर से अलग अलग सेटअप ट्राई करना चालू किया, फिर से कुछ वीडियोस देखे, किसी ने बोला कि यार इधर साइड में लगाओ माइक तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये विंडशील्ड के बाजू में से हवा नहीं आती अंदर। वैसे किया, जब मैंने सोलापुर राइड किया, इस बाइक का पहला राइड था सोलापुर का, लेकिन ये सेटअप में वॉइस और भी गंदा हो गया। आपने अगर देखा है मैंने बेनेली के जो दो तीन वीडियोस डाले हैं ना, उसमें तो सबसे गंदा, आज तक काउंटिंग किलोमीटर्स की पूरी हिस्ट्री में सबसे गंदा वॉइस उसमें है। मैं खुद बोलता हूँ, आपने कमेंट किया है बताया मुझे, लेकिन आपने कमेंट करने से पहले मुझे पता था कि यार ये बहुत गंदा है, लेकिन क्या करूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने शूट किया हुआ है उसको वैसे ही डिस्कार्ड कर दूँ, वो भी सही नहीं लगता ना यार। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल है, शेयर करना है आपसे, और हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं वही चीज़ फिर से शूट करूँ। इन द मीन टाइम यस, एक यूट्यूब वीडियो में मैंने ये भी देखा कि कोई बंदा कोई ये फील्ड रिकॉर्डर यूज़ कर रहा है, तो मेरे एक दोस्त के पास फील्ड रिकॉर्डर था, वो भी मैंने बोरो किया उससे, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये हो रही है कि इसका रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने के लिए इसके ऊपर से करना पड़ता है। तो एक तो इसे आप कहीं सामने रखो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, या तो आप इसको जैकेट में रखोगे पॉकेट में, या फिर बैग में रखोगे। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ इसको पूरा दिन चालू रखो। पूरा दिन चालू रखने का मतलब है कि आपको एंड ऑफ द डे एक लंबा सा 10-12 घंटे का ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसमें से आपको फिर स्क्रीनिंग करते बैठना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ काम का बात कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे ये नॉनसेंस रिकॉर्डिंग है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। तो ये भी ऑप्शन अपने लिए डिस्कार्ड हो गया। यस, बहुत से यूट्यूबर्स है जो इसे यूज़ कर रहे हैं, मैंने कई यूट्यूबर्स से कॉन्टैक्ट भी किया, वन इन US, वन इन नेदरलैंड्स ऑल्सो, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग इसको सिर्फ छोटी राइड्स पे यूज़ करते हैं। एक ने तो कहा कि मैं लंबी राइड्स पे जाता ही नहीं हूँ, आधे घंटे की एक घंटे की राइड पे जाता हूँ तो इसको यूज़ करता हूँ। दूसरा एक बंदा था जो लॉन्ग राइड्स करता है, लेकिन उसने बोला कि मैं सिर्फ बीरोल्स बनाता हूँ गोप्रो से, और फिर घर पहुँचने से पहले रिकॉर्डिंग ऑन करके इसके साथ जो भी मुझे बात करनी है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम जो भी आपको दिखाते हैं वो रियल टाइम में दिखाते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मेरा बद्रीनाथ वाला जो वीडियो था, उसमें एक लाइट मोमेंट था कि यार खड्डा आ गया अचानक से, और मैंने कुछ तो फनी बोल दिया उस टाइम पे, इट क्रिएटेड अ ह्यूमर इन द वीडियो। अगर मैं बाद में उस बात को रिकॉर्ड करने जाऊँ ना, तो वो ना तो नेचुरल आएगा, फर्स्टली तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन करूँगा तो भी वो नेचुरल नहीं आएगा। तो इस तरह से करके कोई मतलब नहीं था। तो अगेन वी वर बैक टू स्क्वायर वन, कोई सोल्यूशन नहीं था। देन टुडे मॉर्निंग मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो का लिंक दिखा, किसी ने अपना व्लॉग पब्लिश किया था, आई डोंट नो द नेम, मेरे पास वो कॉन्टैक्ट सेव्ड भी नहीं है, बट उसमें मैंने देखा कि वो बंदे ने इस कन्वर्टर का एक जुगाड़ किया है। अभी वो जुगाड़, इस माइक का सेटअप, और पूरा किस तरह से आप इस माइक को अपने हेलमेट में परफेक्टली बिठा सकते हो, और गोप्रो वॉइस क्लैरिटी का जो बड़ा सा सवाल है ना कि किस तरह से अच्छी ऑडियो क्लैरिटी मिले, इसका एक परमानेंट फुल प्रूफ वर्केबल जवाब आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले इस सेटअप का ऑडियो सुनते हैं। चलो, नए बाइक पे नए माइक के साथ, नए सेटअप के साथ आपको माथेरान का घाट घुमाने लेके चलते हैं। इस बाइक को थोड़ा सा ट्विस्टीज में एंजॉय करेंगे। वैसे माथेरान इज़ नॉट लाइक ए डेस्टिनेशन फॉर अस, कर्जत से हार्डली 20 किलोमीटर्स है, तो हम तो कभी भी घूमने चले जाते हैं, बट आज की माथेरान राइड स्पेशल है क्योंकि अपने को नया माइक सेटअप टेस्ट करना है। आई होप दिस इज साउंडिंग गुड, बी डूइंग ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स एन आर। वैसे तो अभी आदत हो गई है कि मोटो व्लॉग जब करना होता है, जब बात करनी होती है, तो ऑटोमेटिकली बाइक स्लो की जाती है, लेकिन फिर भी जब नया सेटअप टेस्ट करना है तो हर कंडीशन में टेस्ट करेंगे ना। तो अभी एटलीस्ट 100 तक लेके जाते हैं, 100 तक टेस्ट करते हैं। यार काय गाड़ी है ये, मैं आपसे बोल रहा हूँ 100 तक लेके जाते हैं, तब तक चली भी गई 100। सो हाउ इज इट, 101 किलोमीटर्स एन आर। एक्चुअली आई एम नॉट वेयरिंग एनी राइडिंग गियर्स और एनीथिंग, तो ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, थोड़ा सेफ लिमिट्स में ही चलाऊंगा। बाय द वे, कर्जत के आजू बाजू में ऐसे अननेम डेस्टिनेशन बहुत है, मतलब जिनका कोई नाम नहीं है लेकिन है अच्छे देखने लायक, जैसे कि अभी ये प्लेस डिक्सल जहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ, यहाँ पे पीछे एक डैम है भूतिवली डैम नाम का, बहुत सुंदर है। मानसून में मैं आया था यहाँ पे, ब्लॉग बनाया था, अगर देखा नहीं है तो देखो आप, यहाँ पे लिंक है। एनीवेज, अभी नेरल पहुँचने तक, मतलब माथेरान के बेस तक, तो ऐसा ही है, पूरा कॉन्क्रीट 4 लेन रोड,
तो अभी डायरेक्टली माथेरान के ट्विस्टीज वाले घाट में मिलते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ से राइट में जाएगा बदलापुर का रास्ता, अपने को लेना है लेफ्ट फॉर माथेरान। ज्यादा तो लीन वगैरह नहीं करना है क्योंकि गियर्स नहीं पहने, गलती से भी स्कीड हो गया तो टैटूज बन जाएंगे। पूरा जो गोप्रो ऑडियो का इशू इतने दिनों से पेंडिंग था, फाइनली उसके क्लियर होने की खुशी में गप्पे लड़ाएंगे गप्पे। I'm still doing fifth gear, 6 और 5 उसके नीचे गियर उतरा ही नहीं है। I'm actually loving the way this bike handles on corners. I think finally अपने को अपने problem का solution मिल गया है। This setup works, really works. तो अब मैं आपको सिंपल एक शॉट में दिखाता हूँ कि ये सेटअप क्या है। सबसे इसमें की पॉइंट है कि उस बंदे ने कन्वर्टर की जगह पे स्प्लिटर यूज़ किया है। मेरे तो दिमाग में भी नहीं आया था कि स्प्लिटर भी ये काम कर सकता है। तो इफ़ यू सी, इसमें जो है ये स्पीकर का पिन अलग से है यहाँ पे, ये अपने को कोई यूज़ नहीं है इसका, और सिर्फ जो माइक का पिन है वो इसमें लगा हुआ है, और माइक का जो 4 पिन वाला कनेक्टर है वो यहाँ पे फीमेल में जाएगा। दैट्स इट, एक सिंपल 250 रुपये का माइक, उसके ऊपर मैंने डेड कैट लगाया, वो भी मेरे पास था करके मैंने लगा दिया। पहले माइक पे मैं यूज़ कर रहा था, किसी ने बोला था किसी ज़माने में कि यार डेड कैट से अच्छा वॉइस क्वालिटी आएगा, तो वो भी लिया था मैंने, तो डेड कैट लगाया है, लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं है। द माइक राइट नाउ इज सिटिंग हियर चीक पैड में, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, आई थिंक येस पॉइंटिंग अपवर्ड्स, मतलब मेरा जो इंटरकॉम का माइक है ना उसी के साथ मैंने इसको भी रख दिया है। और उसके बाद वायर जो है अंदर से घुमा के यहाँ बाहर निकाला है, और वायर बाहर निकाल के बस इस कन्वर्टर में डाला हुआ है, स्प्लिटर में डाला हुआ है। दैट्स इट, द स्प्लिटर मेड ऑल द डिफरेंस। अब ये स्प्लिटर जो है ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, उसने लिंक डाला था वीडियो में, मैं भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। इट इज़ फॉर 149 रुपीज़, लेकिन मेरे एड्रेस पे उसका डिलीवरी चार्ज बता रहा था 99 रुपीज़। तो आई थॉट कि चलो करजत के मार्केट में जाके देखते, एक दोस्त का शॉप है जो ऑडियो रिपेयर का काम करता है, ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स के रिपेयरिंग का काम करता है, उसके पास देखते। तो उसके पास एक ही पीस इसका पड़ा था और उसने वो मुझे 70 रुपीज़ में दे दिया। तो 250 रुपये का माइक, 70 रुपये का स्प्लिटर, 350 रुपये के अंदर 2 साल पुराना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैन यू बिलीव दैट? वेल, इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट दिस प्रोडक्ट्स, मैं अमेज़ॉन के लिंक्स इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, माइक का भी स्प्लिटर का भी, और उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स इसमें लगे हुए हैं ना पूरे मोटोब्लॉक सेटअप में, मतलब ये उलानजी का केस, गोप्रो एडाप्टर, गोप्रो हीरो 5 ब्लैक तो अभी आपको मिलेगा नहीं नया, व्हाटएवर इट इज़, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। अगर आपको शॉर्ट राइड्स करने हैं तो फील्ड रिकॉर्डर इज़ अ गुड ऑप्शन, एज आई सेड फील्ड रिकॉर्डर अगर आपको लेना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। एंड टू समिट अप, ऑल आई कैन से इज आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो डू हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ आपने जितना भी फीडबैक दिया है ना कि वॉइस क्वालिटी नहीं आ रहा है सही, अगर आपको ये वॉइस क्वालिटी पसंद आया है ना तो आज भी कमेंट करो। स्पेशली जिसने भी इन पास्ट नेगेटिव कमेंट किया है ना, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट भी कर दो, ताकि मुझे ये पता चले पर्सनली कि आपने एक्नॉलेज किया है, कि हमने एफर्ट लिया है आपके लिए, आपने जो भी बताया हमने सुना है। एंड विद दैट सेड, यहाँ से आगे के मोटो व्लॉग्स तो किस क्वालिटी के बनेंगे ये आप सोच ही सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए, उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबाना है, और हाँ अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बिक�ज ये मोटो व्लॉग सेटअप 350 रुपये का 2 साल हमने वेस्ट किया है यार, दुनिया भर के यूट्यूबर्स के वीडियोज़ देखे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। अभी यहाँ से आगे किसी को इतना टाइम ना लगे, अपने वीडियोस देख के फटाफट से उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलनी चाहिए, तो वो काम आपका है, आप शेयर कर सकते हो। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्टिंग द उत्तराखंड सीरीज़। उत्तराखंड सीरीज़ के जो बचे हुए व्लॉग्स हैं ना वो अभी मैं संडे टू संडे तक डिले नहीं करूँगा, अभी जैसे बनेंगे, जैसे एडिटिंग करके रेडी होंगे वैसे मैं पब्लिश कर दूंगा, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर टू लॉन्ग टू कंप्लीट दिस उत्तराखंड सीरीज़, और वहाँ से आगे फिर कुछ नया चालू करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।